आज हेंड आकिया ने मुझे कहा कि उसने झील में एक विशाल मछली देखी। दूसरे गांव वालों ने भी देखा। वो उठा और एक कुत्ते को पानी में घसीट कर ले गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बारे में बात करते करते। अरे मुझे तो इतना डर लग रहा है। बकवास मत करो। अपने आप से पूछो, इन सब बातों पर विश्वास मत करो, ये सब बकवास है। सोने जाओ अभी, सुना नहीं क्या? क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे? अंदर जाओ। नहीं जा रही, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। जब देखो शिकायत करती रहती है। क्या रोतलू बीवी है मेरी। मैं बाहर जा रहा हूँ मेंढकों को पकड़ने, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इतनी बारिश क्यों हो रही है आज? हाय मेरे बच्चों, हे कैसे हो? आज बारिश हो रही है, ध्यान से रहो। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो 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 अपनी जगह पर वापस जाओ, अपने दोस्तों के पास रहो। तुम बाहर कैसे आ गए? ध्यान से रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? अरे वाह, कितना बड़ा मेंढक है। ये आए कहां से? ओए ये देख, मुझे भी एक मिला। अरे यहाँ आओ, ये देखो यहाँ एक और है, जल्दी आओ। दोस्तों यहाँ आओ, देखो ये क्या है। ये किस तरह का अंडा है? कहानियां, दिव्य चरित्र, विश्वास जो पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो जाता है, अक्सर अच्छे और बुरे के बारे में होते हैं। रोशनी और अंधेरा, वो कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिनकी लोग पूजा करते हैं, या ऐसा कुछ जिससे लोग डरते हैं।
लेकिन बुयंकान के दिव्य चरित्र कुछ ऐसा है जिस पर लोग केवल आश्चर्य करते हैं। क्या दिव्य चरित्र वास्तव में मौजूद है? मनुष्य डर के साथ रहते हैं हजारों सालों के लिए। हम अपने से अलग किसी चीज से डरते हैं, हम किसी भी अज्ञात चीज से डरते हैं, या क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कहां से है। हमारे पास अपनी रक्षा के लिए दूसरों को मारने का एक बहाना है, खुद को बचाने के लिए। इसके बावजूद कि हम और वो चीज ज्यादा अलग नहीं है, और ये भी हो सकता है कि हम उनमें से ही एक हों। सिर्फ एक ही बचा है, लेकिन वो होश में नहीं है। इस तरफ आओ इंस्पेक्टर, लाशें यहां पर हैं। कितनी हैं? दो सर। दूसरी वहां पर है। इन लाशों को पहचानना तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आखिर ये जाल यहां क्यों है। ये क्या है? ये लिसलिसी मिट्टी है, कीचड़ जैसी। ये वहां से खींचने पर मिला। ये किस तरह की कीचड़ है? इस जाल में क्या था? मुझे नहीं पता। आखिर वो गया कहां? जागो, चलो नाश्ता करते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी आओ। पापा कहाँ हैं? नाश्ता करेंगे या नहीं? मुझे नहीं पता। और केंग कहाँ है? वो सो रहा है। क्या वो अभी तक जागा नहीं है? जाओ और उसे जगाओ, अब देर हो रही है। जल्दी। ठीक है। पापा अचानक कहीं गायब हो गए। क्या वो घाट पर नहीं थे? नहीं भैया। मैं नीचे आ रहा हूँ। हाय। आपने फिर से शराब पी थी ना? तुम समझदार हो गई हो। मैं आपको रोज नशे में डूबा देखती हूँ। हाँ।
जब से लेन बैंकॉक से वापस आई है वो पहले जैसे नहीं रही। तो वो हमेशा कोई कोई सी और बहुत सावधान रहती है। वो अब मेरे लिए चीजें नहीं खरीदती है। अंकल, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा? अंकल साहब, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है वो अपनी उसी जगह पर मछली पकड़ रहा होगा। आंटी, आंटी, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है वो अपनी उसी जगह पर मछली पकड़ रहा होगा। जिस दिन से मैंने अपनी मास्टर डिग्री शुरू की, मैं हर बार गर्मियों में यहाँ आता हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ का मौसम अजीब सा हो रहा है। क्या यह हाई टेम्परेचर है, या फिर टाइफून, या मरते हुए पौधे या जानवर? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? सब कुछ अजीब सा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भूगोल या मौसम बदलने के कारण होता है? क्यों? हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे रिसर्च के लिए आए हैं। जिन रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था वो छुट्टी पर हैं। क्योंकि तुम यहाँ मदद के लिए हो तो डाटा शफल करने से शुरू करें। ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसे अभी वापस रखो। नहीं, मैं इसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो? इतना बड़ा अंडा, ये आखिर क्या बनेगा? इसे वापस रखो। नहीं है? उसे रखने दो ना। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ ये क्या होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे वापस रखो। नहीं, इसे मुझे दे दो, मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। मैं सिद्धि मत बनो। मैं इसे रखना चाहती हूँ। मैं हे हे नहीं। पापा कहाँ हैं? कुछ नहीं पता, वो मुझे नहीं मिले। क्या उन्होंने कल रात तुम्हारे साथ शराब नहीं पी थी? तुम हर वक्त इतनी शिकायत क्यों करती रहती हो? तुम शराब पीना कब छोड़ोगे? जितनी जल्दी छोड़ दो अच्छा है। मैं किंग, क्या तुमने उसे देखा? मैं मैं
तुम्हारा काम हो गया? क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। अच्छ, इसने मुझे काट लिया। तुम ठीक हो जाओगी। लगता है वहां कुछ चल रहा है। आराम से संभल के चलो। संभल के, ध्यान से मरीज को इस तरफ लाइए। नर्स मेरी मदद करो। ध्यान से। हेलो कहाँ देखो मुंह
ต้องเย็บแล้วก็เช็คโดนอะไรมาวะเนี่ย हो गया आराम से आप यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते मेरे साथ आइए प्लीज बैठ जाइए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या तुम्हें चोट लगी है क्या आप ठीक हैं मेरा हाथ क्या आपका हाथ दर्द कर रहा है आपके सिर में भी दर्द है ठीक है कृपया मुझे एक ड्रेसिंग का किट दें ब्लड प्रेशर मैं तुम्हारा घाव साफ कर देती हूँ मैं अच्छे से साफ कर दूंगी क्या आपको कहीं और दर्द हो रहा है रुको मुझे देखने दो कहीं और चोट तो नहीं लगी शांत हो जाओ गहरी सांस लो हाँ शाबाश गहरी सांस लो रिलैक्स हो जाओ आराम करो शांत हो जाओ रिलैक्स हो जाओ हेलो पुलिस स्टेशन माफ कीजिए सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह का जानवर था वो बस एक जानवर नहीं था मुझे नहीं पता आखिर वो क्या था वो बस सामने आया और सबको मारने लगा क्या तुम्हें सच में उसकी बात पर यकीन है मॉन्स्टर के बारे में जो कुछ उसने कहा हेलो कहाँ हो तुम मुझे लेने आओ जल्दी बैंकान प्रांत में कल रात गुफाओं से तूफान टकरा गया साथ ही संरक्षण क्षेत्र से भी यह खतरनाक हो सकता है सभी नागरिकों को उन क्षेत्रों से बचना चाहिए जहां पर किसी ने भी ऐसा क्रिएचर देखा हो दो ब्लैक कॉफी प्लीज हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं पैम भी जल्दी बड़ी हो रही है आपकी तरह जिद्दी है एकदम मैं अब उससे बात भी नहीं कर सकता मैं एक ले सकता हूं हेलो ठीक है बस एक मिनट में पहुंचता हूं ठीक है ओके शैतान का नाम लिया तो हाजिर
आई मिस यू। अति आवश्यक, एक जानवर शहर के केंद्र में उत्पात मचा रहा है। हम नहीं जानते कि यह किस तरह का जानवर है। हर यूनिट को अब घटना स्थल पर जाना होगा। ए! कहां थे तुम? इतनी देर कैसे हो गई? ये शुगर फ्री है ना? टेस्ट करके देख लो। धन्यवाद। कोई गवाह मिला है क्या? बहुत हैं। उन सभी ने एक ही कहानी बताई है। एक राक्षस है जो मानव से लंबा था। ये सच है। इसका शरीर मछली जैसा है। इसके सिर पर बड़े बड़े बारबल्स होते हैं, मगरमच्छ जैसी त्वचा है और इसकी पूंछ सांप की तरह है। और सबसे जरूरी बात, ये खड़ा भी हो सकता है और चल भी सकता है। मैं जाकर कुछ और सबूत ढूंढने की कोशिश करती हूँ सर। बॉस, जरा इस तरफ आकर देखो। हादसे की जगह पर एक पैर के निशान है, एक बहुत बड़ा पैर। यहाँ पर खून के निशान भी हैं। ये क्या है यार? तुमने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है क्या? मैंने कोशिश की, लेकिन हमारे किसी भी फोन में सिग्नल नहीं था। मुझे लगता है कि कल रात तूफान के कारण टावर नीचे गिर गया। क्या नीचे गिर गया? बॉडी यहाँ है। पीछे हटो, चलो पीछे हट जाओ। पीछे हटो, चलो पीछे हट जाओ। खाली करो जगह। ये देखो, काटने के निशान कितने गहरे हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजनेस ट्रिप पर हूँ। आखिर ये क्या भयानक चीज है? हे देखो, वो क्या है? जल्दी देखो वो क्या है। कितना बड़ा जानवर है, जल्दी देखो। क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। दिन में सपने देख रही हो क्या? वो तुम्हारे पीछे था क्या? कहीं वो भेड़िया तो नहीं था? इस देश में कोई भेड़िया नहीं है। कुछ भी मत बोलो। तुम तो कह रहे थे वो मछली जैसा कुछ है। ऐसी कौन सी मछली होती है जिसके पैर होते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जरूर कोई मगरमच्छ है, लेकिन कौन सा मगरमच्छ शिकार करने के लिए इतनी दूर ऐसे शहर में आएगा? ये नामुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है ये मुमकिन है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। क्या हुआ? ओवर। पोलाइटली बात कीजिए। माफ कीजिएगा, क्या बात है मैम? हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट से रिपोर्ट मिली है। वहाँ एक राक्षस मजदूरों पर हमला कर रहा है। कमांडर, अब घटना स्थल पर हैं। क्या आप वहाँ पहुँच सकते हैं इंस्पेक्टर? अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। ओवर। रात पहले इस जानवर ने लोगों पर हमला किया। हमें झील के पास बड़े पैरों के निशान मिले। दो दिन पहले किसी ने हमें फोन किया और रिपोर्ट किया यहां इसी तरह के पैरों के निशान थे। वो जमीन मेरे चाचा की है। ए, इधर ध्यान दो, ज्यादा आगे मत जाओ। जी सर, आई एम सॉरी। और यहां मानकोम झील में हमें इसी तरह के पैरों के निशान मिले, लेकिन वे बहुत छोटे हैं। ये बात थोड़ी अजीब है। मुझे तो लगता है कि वो जरूर इसी नदी में रहता है और शिकार के लिए ऊपर आता है और फिर शिकार को पानी में ले जाता है। तुम्हारी बात में पॉइंट है। यदि इसके व्यवहार में एक पैटर्न है, इसका मतलब अगली बार
ये यहीं पर दिखाई देगा या नहीं, या एक ही समय में दोनों स्थानों पर? मुझे पता है कि तुम सब थके हुए हो, तुम मुश्किल से अपने परिवारों को देखते हो, लेकिन हमें एक साथ आना होगा और इस काम को अंजाम देना होगा। तुम दो टीमों में बट जाओ और हर टीम यहाँ रुकेगी और यहाँ, ये हमसे बच नहीं सकता। तो हम बस जाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। याद रखें, हम नहीं जानते कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। ध्यान से हर घंटे एक दूसरे को पोस्ट करते रहें ताकि एक दूसरे की खबर एक दूसरे को रहे। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ या जोखिम भरा लगता है तो उसी समय फौरन बैकअप के लिए तुरंत कॉल करें, समझे? जी ठीक है सर। माफ करना, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रुकिए। क्या हुआ फोन? स्कूल के निदेशक ने आपको बुलाया, ये आपकी बेटी के बारे में है। आने के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर। बात सिर्फ इस लड़ाई की नहीं है पैम, तुम देर से घर आती हो या कभी कभी तो आती ही नहीं हो। ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या माँ की मौत की वजह से? तुम एक भी बात नहीं समझते, एक भी बात नहीं, सबसे आसान बात भी नहीं। क्या कहा? मैं तुम्हें कैसे समझ सकता हूँ? तुमने कभी मुझे कुछ बताया भी है? कुछ भी बोल रही हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे घर पर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ताकि तुम ऐश कर सको? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे साथ काम पर चलोगी। चलो। हे पाम, आज स्कूल की छुट्टी है? मुझे निकाल दिया है। पैम एक बात पूछो, तुम इन सब चक्करों में कैसे पड़ गई? क्या? बस मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर रही हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से बन गया? यहाँ ये सब क्या हुआ? मैंने इसे ठीक तरह से नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वो जानवर है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? देखो, अगर तुम इसके बारे में नहीं जानती तो अंदाजे मत लगाओ, समझी? क्योंकि हमने इस तरह का मामला पहले नहीं देखा है, इसलिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस मामले की छानबीन पुलिस को करने दें, फिर पुलिस उस जानवर को पकड़ेगी और वापस चिड़ियाघर ले जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले रोगियों का इलाज करें, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए हम आपकी मदद करते हैं। ठीक है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है।
हमने मरीज के बैकग्राउंड और चोटों की जांच की है। ऐसा लगता है कि हमारे पास आज सुबह आए मरीज जैसा ही एक और मामला है। उसे किसी जानवर ने बुरी तरह काट लिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे भाई को होश आ रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। देखो अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब वो बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया। क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ? हम वास्तव में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि एक सांप काटने का निशान है। आप कैसा लग रहा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? आखिर वो चीज थी क्या? सब पागलपन है, सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा है। अब इससे बदतर और क्या हो सकता है? चलो। डॉक्टर, आप हमारी मदद करें, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सब कब से यहाँ हैं? हम सभी परेशानी में हैं। परेशान हैं। सही है, सभी परेशानी हम में अभी भी नहीं जानते कितने मॉन्स्टर बाहर हैं और वे कहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग हो जाएं और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढें। कमांडर, क्या क्या कह रहे हो? राक्षस वहाँ पर है, हमें वहाँ लेकर चलो। चलो चलो, उसे पकड़ते हैं। हाँ, हाँ, चलो, 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 जल्दी चलो, चलो, पकड़ते हैं उसे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? बताओ मुझे, बताओ ना।
डॉक्टर, डॉक्टर किंग और उसकी बहन अस्पताल से भाग गए हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जी सर। मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तुम स्कैन करो। पासवर्ड क्या है? मुझे कैसे पता होगा? सुनिए सर, मुझे लगता है मेरा भाई जानता है कि वो जानवर कहाँ है। रोजर, मैं वहां पहुंच रहा हूं। यहां सब सामान लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। जी सर। ओ, 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 ओ,
बारिश बहुत तेज हो रही है। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कभी सोचा नहीं था कि और मिलियों की बारिश होगी। ए, वो क्या है? अरे ध्यान से, क्या कर रहे हो? तुम तो गिरी गए समर के दोस्त। नजदीक जाकर देखो। ओ, ओ, अरे ओ। मेरा पैर। ये इतनी बड़ी चीज क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा है। ओ, इतना बड़ा अंडा, ये तो बहुत ही बड़ा है। वाओ, क्या बात है। कार के अंदर रहना, बाहर मत आना, ठीक है? अगर जरूरत पड़े मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर घर चलेंगे। इंस्पेक्टर जरा प्लीज यहां आइए। पैरों के निशान अभी भी ताजा हैं। मुझे लगता है कि ये अभी भी आसपास है। इंस्पेक्टर यहां आइए, इस तरफ एक और है। इंस्पेक्टर क्या चल रहा है? बच्ची मिली है। कितने? बस एक, इस तरफ। उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया है। कहाँ मिली वो? घाट पर, ये रही वो। नाम क्या है बेटी? इंस्पेक्टर शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ फोन? सर सर, यहाँ हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हमें सभी लोगों को केंद्रीय मंदिर चर्च में शिफ्ट करने के लिए ले जाना होगा। मंदिर या चर्च के लिए? वही एक जगह है जहाँ शेल्टर मिल सकता है। चर्च के अंदर अच्छी जगह है। फोन, तुम चर्च के पादरी के साथ बात करो और कोऑर्डिनेट करो। जी सर। हर कोई एक दूसरे की मदद करे और जल्दी से जल्दी चर्च पहुँचे। ये क्या है डैड? ये बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता। और वो कौन है? ये भी नहीं जानता। हमें बचाओ, हमें उस राक्षस से बचाओ। नहीं, नहीं, मार दो, छोड़ो मत, मार दो, मार दो इसे। हमारे घर वालों को जान से मार दो, कभी जान से मार दो। ये खतरनाक जानवर है, इसे मार दो, इसे मार दो, जिंदा रहा तो सब मर जाएंगे। आप इसे मार रहे हैं? नहीं, इसे मार दो, मार दो इसे, मार दो, मार दो इसे, मार दो इसे। क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही? ये केंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे मारते हैं तो आप केंग को भी मार डालेंगे। छोड़ो, मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे बताओ कि फिर मेरे भाई का क्या होगा? मुझे बताओ। मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे, अभी अभी। Thank you.
पैम, बात बॉयफ्रेंड की नहीं है ना? आप जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। मैं सोच रहा था कि ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं है, इसकी वजह मैं हूं ना। आपको अब एहसास हुआ? पैम, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैंने क्या गलत किया? देखती नहीं, मैं काम करता हूं, सब किसके लिए करता हूं? परिवार के लिए, तुम्हारे लिए पैम। बताओ और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए? आप जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। मां भी आपको नहीं बदल पाई, यहां तक कि उनकी मौत भी आपको नहीं बदल पाई। हमारे पास बस एक दूसरे का साथ है। पैम, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, चलो खुलकर बोलो। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं वादा करता हूं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। कार के अंदर ही रहना।
दिया तो हम सब मर जाएंगे। मार डालो इसको, इसको जिंदा मत छोड़ो। इसको मार डालो, मार डालो इसको, इसको अभी खत्म कर दो, मार डालो इसे। जैसा इंसान है वो हम में से एक भी है, हमें उसकी रक्षा करनी है जैसे हम अब आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया चर्च में जाएं और प्रतीक्षा करें अपनी सुरक्षा के लिए, फिर हम खाली कर देंगे। कमांडर जेम्स, क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो? क्या हुआ? लोगों को बाहर निकालना शुरू कीजिए, तो यहाँ वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ एक और मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर शहर की ओर जा रहा है। तीस मिनट में वो शहर में पहुंच जाएगा, जल्दी निकल जाइए। ठीक है। हर कोई रुके और मेरी बात ध्यान से सुने, हम अभी भी नहीं जानते एक मॉन्स्टर है या एक से अधिक मॉन्स्टर हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी विश्वास और साहस बनाए रखें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर हम सब एक साथ रहे तो हम सब इस मुसीबत से एक साथ निकल जाएंगे। आप सब अपनी सुरक्षा के लिए प्लीज इस जगह को खाली कर दें। जल्दी चर्च में जाए, अब जाइए, जल्दी करिए।
अब कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है। हिम्मत से काम लो। ये लो, इसे ओढ़ लो। तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त बस, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हमें चलना होगा सर। लेकिन जेम्स और बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं। कौन? बच्चों और महिलाओं के साथ बसों को पहले जाने दें। ऐसा लगता है हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त बस नहीं है। तो इसे सभी के लिए पर्याप्त बनाएं। जी सर। लाइन में आइए, चलते रहिए। आइए आइए, लाइन में चलो। इसे मारो, 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 मारो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बेटी हो, हिम्मत मत हारो। दर्द हो रहा है। हम एक साथ घर जाएंगे। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, फिर हम घर जाएंगे। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। बस क्यों नहीं चल रही है? ये यहीं खड़ी है। हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। लोग अपनी कारें छोड़कर के पैदल चल रहे हैं। चलते हुए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। अब हम क्या करें सर? सभी बसें ट्रैफिक में फंस गई हैं। ठीक है, चलते रहो। जितना हो सके हमें उतना दूर चलना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितना भी थक जाएं, फिर भी चलते रहो। समझ गई सर। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? मेरे बारे में चिंता मत करो, बाकी लोगों का ध्यान रखो। Thank you.
भागो भागो, ट्रैफिक जाम है, बचाओ सभी, मुझे जल्दी जाना है। मैं जानता हूँ ये राक्षस यहाँ पर क्यों है। क्या आपको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। कोई आपसे बात करना चाहता है सर? बात करवाओ। सर मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। राक्षस हमें मारने के लिए यहाँ पर नहीं है, ये अपने बच्चे को खोजने के लिए सुनार का उपयोग कर रहा है। मैं समझ गया। आप सभी दूर हट जाएं उस कार से जिसमें मॉन्स्टर पकड़ा गया है और इस एरिया को तुरंत खाली कर दें। समझ गए? जी सर।
चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी एक दूसरे के ऊपर मत चढ़ो, जल्दी करो, ध्यान से चलो आगे, भागो उस तरफ, भागो उस तरफ, जल्दी जल्दी भागो, भागो जल्दी, चलो बचाओ अपनी, चलो जल्दी करो, जल्दी भागो, भागो जल्दी भागो, बचाओ जल्दी भागो। ये बच्ची किसकी है? मेरा। जल्दी भागो, मेरा। धन्यवाद। आओ ऊपर चढ़ो। वो चीज जो हमने वीडियो क्लिप और ऑनलाइन मीडिया में देखी थी वो क्या था? प्लीज जवाब दे, क्या था वो? प्लीज जवाब दीजिए, कृपया हमें सच बताएं सर। वो सभी वीडियो क्लिप जो आपने इंटरनेट और सोशल मीडिया वेबसाइट पर देखी है, यकीन मानिए वो सभी एक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा थे। जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा वहां कुछ भी नहीं हुआ है। इनकार कर रहे हैं, वहां एक राक्षस था जो बुंकन में लोगों पर हमला कर रहा था। क्या उस तूफानी रात में कुछ भी नहीं हुआ है? बताइए ना। सही कहा। आप जो कह रहे हैं मुझे उस बात पर विश्वास नहीं है, शायद आप सच्चाई छुपा रहे हैं। इस बात को हमेशा के लिए एक राज बनाकर रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मॉन्स्टर शिकारी यहां फिर लौटकर वापस आए। जब सही वक्त आएगा मैं खुद सामने आकर सबको सारा सच बताऊंगा।
वहाँ एक राक्षस जो बुंकन में लोगों पर हमला कर रहा था, क्या उस तूफानी रात में और कुछ नहीं हुआ? ये सही है। दिव्य चरित्र एक सच्ची कहानी थी और जिसने भी उसे देखा वो जानता है वो कितना भयानक था। पर एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा क्रूर एक झूठ है, वो झूठ जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण बना रहे। लेकिन सच्ची शांति कभी थी ही नहीं। दिन गुजरते हैं, जीवन आगे बढ़ता है, लोग बस भूल गए कि उस दिन क्या हुआ था। वो मॉन्स्टर हमारे जीवन से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां था। अब तक बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, अब आप कैसे हैं? मुझे एकदम शुरुआत से शुरू करना है। क्या आपने काम दोबारा शुरू किया? हाँ, बस जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं। अब आप मुझे बताओ उस लड़की के बारे में। तो बताइए, आप उसे कब से देख रहे हैं? उसी दिन से। तब और अब के बीच क्या अंतर है? वो वापस आ रहा है। प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आप हाथ उठाइए, ठीक है? कौन कौन उत्तर देगा बताओ। की जरूरत होती है एक नया जीवन जीने के लिए।
मैंने एक तरह की धार्मिक क्रिया देखी जो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। आपने ऐसा क्या देख लिया? मैंने आशा देखी। बेटी, उसे बाहर बुलाओ। मैंने कहा उसे बाहर बुलाओ। सच्चाई का पता चली गया जिसे हर कोई छिपाना चाहता है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो जिस तरह से देखता है बिल्कुल वैसे ही तुम मुझे इस वक्त देख रही हो। सचेत रहें, हम सभी के पास एक रास्ता होता है, दुख से खुद को हमेशा के लिए राहत देने के लिए। लेकिन आपका दिमाग सचेत नहीं रहा। आप अपनी भावनाओं, अपने क्रोध और अपने द्वेष में अंधे हो गए। ये आपको ऐसे जलाता रहता है जैसे कि आप जीते जी नरक में रह रहे हैं। असली राक्षस जिसका आप पीछा कर रहे हैं वो असल में कहीं और नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर ही छुपा बैठा है। वत्स, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। केवल तभी आपको सच्ची आंतरिक शांति मिलेगी। यही वो जवाब है
जिसकी आप अब तक तलाश कर रहे हैं। ये क्या है डैड, आपको अब एहसास हुआ? मैं जाकर जवाब ढूंढूंगा। हाँ, आपको क्या मिला? मुझे ये सब कुछ मिल गया।